नमस्कार दोस्तों, आज अवनींद्रनाथ टैगोर के जो बंगाल शैली में चार प्रमुख स्तंभ, शिष्य रूपी जो चार प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, तो उसमें से आज हम शैलेंद्रनाथ डे, आखिरी हैं आज शैलेंद्रनाथ डे, क्योंकि इससे पहले असित कुमार हलदर, क्षितिन्द्रनाथ बोस और नंदलाल, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे शैलेंद्रनाथ डे, लेकिन इससे पहले हम पिछला रिवीजन कर लें, चार का ग्रुप बना लें। देखो, ग्रुप बना बना के अगर पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में टिकी रहेंगी। मतलब एक कहिए एक नेचर ला है कि चीज़ों को लिंक करने से, पढ़ने से वो चीज़ें हमारे पास टिकी रहेंगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम एक आर्टिस्ट को पढ़ेंगे, फिर वो 10 दिन 15 दिन बीत जाता है, फिर वो रिवीजन करेंगे, फिर उतना ही मेहनत करना पड़ जाता है। तो कुछ ऐसा स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना होगा कि जिससे वो चीज़ें हमें बार बार चीज़ें हम जोड़ते चलें, कि जिससे वो हमारे दिमाग में जो है याददाश्त के रूप में बना रहे, चीज़ें छूटने ना पाए। एक लंबा अंतराल अगर हो जाएगा, गैप हो जाएगा, तो वो चीज़ें हमें फिर से याद करेंगे, फिर उनको दोबारा फिर देखेंगे, एक झुंझलाहट, एक मेंटल इरिटेशन होगा। तो इससे अच्छा है कि हम चीज़ों को जो भी पढ़ें उससे पिछला हम जोड़ते हुए पढ़ें, तो ये ज़्यादा कारगर होगा। तो उसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था, कहीं कहीं प्रयागराज भी है तो वो भी सही होगा। ऑप्शन में प्रयागराज दिया रहेगा तो वो सही होगा, नहीं तो दारागंज दिया रहेगा तो वो सही होगा। दोनों नहीं देगा, दोनों में से एक देगा। फिर दूसरा ये देखते हैं, इनकी मृत्यु 1971 में इलाहाबाद में ही होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जन्म भी इलाहाबाद, मृत्यु भी इलाहाबाद होती है। इससे पहले हमने देखा था कि नंदलाल बोस, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1882 या 83, ये इनके भी जन्मतिथि में कहीं कहीं 1882 या 83, दोनों नहीं देगा, या तो 1882 देगा या तो 1883 देगा, तो दोनों दिमाग में बना रहेगा। तो स्थान इनका था बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर हवेली में इनका जन्म हुआ था। फिर मृत्यु इनकी 16 अप्रैल 1966 में हुई थी। और इन सबके गुरु तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, लेकिन कुछ जैसे हम अवनींद्रनाथ टैगोर को देखते हैं तो इनके प्रारंभिक गुरु ओगिल हार्डी होते हैं, लेकिन इन्होंने भी देखा था कि हमने जापानी गुरु याकोहामा ताइकान और हिस्दा से इन्होंने भी जो है जापानी वास तकनीक सीखा था। उसी क्रम में हम देखेंगे कि नंदलाल बोस के भी जापानी गुरु कौन थे, अराई कैपो थे, और बाकी तो इनके कला गुरु तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे ही थे। अब असित कुमार हलदर कर देखते हैं, तो जिस शैलेंद्रनाथ डे का 1890 में हुआ था, असित कुमार हलदर का भी 1890 में हुआ था, जोरा सांको में हुआ था। मृत्यु इनकी 1964 में लखनऊ में हुई थी, ये ध्यान रखे रहना है, लखनऊ में। और इनके भी कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन मूर्त कला की जो शिक्षा ली थी, मूर्त कला की शिक्षा आ सकता है कि मूर्त कला की शिक्षा जो है किससे ली असित कुमार हलदर ने, तो लियोनार्ड जेनिंग्स से ली। तो ये और इनकी मृत्यु से संबंधित, जिस समय इनकी मृत्यु होती है 1964 में, उसी समय क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार 1964 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये चित्रकला विभाग के अध्यक्ष होते हैं और रिटायर हो जाते हैं। तो 1900 इनकी मृत्यु से इनके जो है चित्रकला विभाग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो एक कार्यकाल था इनकी शिक्षण अवधि का, तो वो याद रहेगा। तो 1 सितंबर 1942 से 1964 तक। तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 में हुआ था, जन्मस्थान था मुर्शिदाबाद निमटिया, और स्थान दोनों दे सकता है, या तो सीधा देगा जन्म स्थान दे देगा, राज्य का नाम दे देगा, जिले का नाम दे देगा तो मुर्शिदाबाद, स्थान का नाम तो या तो निमटिया देगा या जगताई गांव देगा, तो कुछ भी, तो ये दिमाग में ये मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमटिया नामक स्थान पर या जगताई नामक स्थान पर हुआ था इनका है। इनकी मृत्यु 1975 में इलाहाबाद में हुई थी। तो ये क्षितिन्द्र की इलाहाबाद में, असित की लखनऊ में, नंदलाल बोस की कलकत्ता में ही मृत्यु हुई थी। तो ये दिमाग में हमारे बना रहेगा। दूसरी बात, अगर एक प्रश्न और बनता है कि असित कुमार हलदर का जन्म जोरा सांको में हुआ था, पश्चिम बंगाल के जोरा सांको में, तो जो ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि जोरा सांको में किनका जन्म हुआ था, तीन दे सकता है और एक तीन दे देगा और कहेगा इनमें से सभी। तो हम ये ध्यान में बना रहे कि जोरा सांको में किन किन लोगों का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के, तो असित कुमार हलदर का हुआ था, उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर का हुआ था, गगनेंद्रनाथ टैगोर का हुआ था और रवींद्रनाथ
टैगोर का हुआ था। साथ ही साथ हम इनका ये भी जान लें कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ और मृत्यु 1951 में हुई। गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1867 में होता है और मृत्यु इनकी 1938 में होती है। अगर मृत्यु 1938 में गगनेंद्रनाथ टैगोर की होती तो इनकी मृत्यु के समय की कुछ घटनाएँ हैं अगर हम देखें 1938 में। पहला तो गगनेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु होती है। दूसरा, गगनेंद्रनाथ टैगोर की जिस समय मृत्यु होती है, उन्होंने काल खंडेलवाला ने 1938 में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक में बादामी गुफा के चित्रों की रंगीन प्रतिलिपि का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न बनता है कि किस सन में हुआ था, इसलिए यहाँ 1938 गगनेंद्रनाथ की मृत्यु होती है। 1938 में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक में, जो काल खंडेलवाला की पुस्तक है, इसमें बादामी गुफा के रंगीन चित्रों की प्रतिलिपि का प्रकाशन होता है ये। और 1938 में एक और दिमाग में बना रहना चाहिए, राम किंकर बैज की एक महत्वपूर्ण आर्ट वर्क 1938 में तैयार किया था, 427 सेंटीमीटर का था, संथाल फैमिली। तो संथाल परिवार किस वर्ष तैयार हुआ, 1938 में। तो 1938 में तीन घटनाएं हुई, एक तो गगनेंद्रनाथ की मृत्यु हुई, दूसरी जो है बादामी गुफा के चित्रों का प्रकाशन हुआ, किस पुस्तक में हुआ, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में, ये किसने प्रकाशित किया, काल खंडेलवाला ने इस चित्र का अपनी इस पुस्तक में प्रकाशन किया। तीसरा, रवींद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 में हुआ और मृत्यु 1943 में होती है। तो मृत्यु 1943 में होती है, तो 1943 में एक और होती है कि 1943 में जब इनकी मृत्यु होती है तो उसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है महाप्रयाण यानी द लास्ट जर्नी नामक एक चित्र की रचना की थी। तो वो किस सन में की थी, ये भी प्रश्न आता है कि महाप्रयाण की रचना कब हुई, तो 1943 में। किसने की, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कब की, रवींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इन्होंने 1943 में इसकी रचना की, महाप्रयाण यानी लास्ट जर्नी की रचना की। साथ ही साथ इन्होंने इसकी बाद अपनी तूलिका को त्याग कर दिया। तो एक शैलेंद्रनाथ डे के पिता ध्रुपनाथ डे थे, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो नंदलाल बोस के पिता थे पूर्णचंद्र बसु, जो दरभंगा रियासत में मैनेजर भी थे और साथ ही साथ आर्किटेक्ट भी थे। और उसके बाद असित कुमार हल्दर के पिताजी थे सुकुमार हल्दर थे, लेकिन प्रश्न जो बनेगा उनके बाबा से बनेगा। उनके बाबा थे राखाल दास हल्दर, जो लंदन विश्वविद्यालय के संस्कृत कॉलेज में वो प्राचार्य थे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के पिता थे केदारनाथ मजूमदार। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, ध्रुपनाथ डे इलाहाबाद में एक इंडियन प्रेस था, इंडियन प्रेस के मालिक थे चिंतामणि घोष। तो इंडियन प्रेस से एक बात और, एक प्रश्न और मन के निकल आता है कि जब हम क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर देखे थे कि इंडियन प्रेस के मालिक हरकेशव घोष थे। तो हरकेशव घोष के ही सुझाव पर गीत गोविंद चित्रावली क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने तैयार की थी। और यहाँ भी हम देखते हैं कि ध्रुपनाथ डे इंडियन प्रेस में उच्च विभाग में वो कार्यरत थे। तो इसके मालिक इस समय थे चिंतामणि घोष। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और जो है शख्सियत, जिसे हम कहेंगे रामानंद चटर्जी भी थे। तो जब ध्रुवनाथ डे, शैलेंद्रनाथ डे को बचपन से ही चित्रकारी में शौक था, तो ध्रुवनाथ डे ने देखा तो इनके मन में विचार आया कि इनका हम एडमिशन जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में करा देते हैं। तो इन्होंने चिंतामणि घोष और रामानंद चटर्जी से इस बात को कहा, तो इन्हीं के ही सिफारिश पर ये शैलेंद्रनाथ डे वहाँ पर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के शरण में जाते हैं कला की शिक्षा के लिए। साथ ही साथ एक और प्रश्न यहाँ से हम देख लेते हैं जो बनेगा, रामानंद चटर्जी जो भारतीय पत्रकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी तीन पत्रिका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं बार बार, एक तो बंगाली में प्रवासी पत्रिका इनकी थी 1901 में, दूसरी अंग्रेजी में इन्होंने एक मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन किया था 1906 में, और एक हिंदी में इनकी मासिक पत्रिका थी विशाल भारत जो 1928 में। तो ये प्रश्न आता, जैसे एक बार आया था टीजीटी में और पीजीटी में भी, कि विशाल भारत
क्या है? तो विशाल भारत एक हिंदी पत्रिका है। किसके संपादक संस्थापक या संस्थापक कौन थे? रामानंद चटर्जी थे। और रामानंद चटर्जी से एक और प्रश्न अगर हम देखते हैं मिला जुला, तो रामानंद चटर्जी का जन्म बांकुड़ा जिले में हुआ था और बांकुड़ा जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे दो महान कलाकारों का भी जन्म हुआ था, वो थे यामिनी राय जो पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिला के बेलिया तोड़ में, और एक थे राम किंकर बैज जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के जुग्गीपाड़ा गाँव में इनका जन्म हुआ था। और बांकुड़ा एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी आता है कि कौन, ये प्रश्न बनेगा कि टेराकोटा मंदिर के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो उसमें जो बांकुड़ा जो विकल्प रहेगा तो ये बांकुड़ा है। और बांकुड़ा जिले में एक शहर है विष्णुपुरा, तो चाहे जो है ऐसे करके पूछ सकता है कि टेराकोटा मंदिरों के लिए विख्यात है तो बांकुड़ा, या बांकुड़ा विख्यात है या प्रसिद्ध है किसके लिए, तो टेराकोटा मंदिर के लिए। और साथ ही साथ बांकुड़ा एक और अगर थोड़ा बारीक में जाना चाहेगा और थोड़ा सा, तो वो स्पेसिफिक एक प्लेस का नाम ले लेगा और वो कहेगा विष्णुपुरा, जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में एक शहर है विष्णुपुरा, वो किसके लिए विख्यात है? टेराकोटा मंदिर। और इसे पश्चिम बंगाल का टेंपल सिटी भी कहा जाता है। किसको? बांकुड़ा का। तो हमने संबंध स्थापित कर लिया रामानंद चटर्जी, जो ध्रुवनाथ डे ने कहा चिंतामणि घोष से और रामानंद चटर्जी से, और इनकी ही सिफारिश पे शैलेंद्रनाथ डे और रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ ये इंडिया प्रेस में जो है काम कर रहे थे उच्च पद पर इनके पिताजी। और साथ ही साथ रामानंद चटर्जी जिनका जन्म बांकुड़ा में हुआ था, बांकुड़ा में दो शख्सियत यामिनी राय और राम किंकर बैज का जन्म हुआ था। रामानंद चटर्जी की तीन पत्रिकाएँ हैं, प्रवासी है और विशाल भारत है और मॉडर्न रिव्यू है, तो इससे भी प्रश्न खूब बढ़िया से बनते हैं, तो इसे एकदम बिल्कुल दिमाग में मेमोराइज हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं अब अगली कड़ी में, शैलेंद्रनाथ डे की जो शिक्षा हुई थी वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी, नंदलाल बोस की भी शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई है, असित कुमार हल्दर की भी जो शिक्षा हुई है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की भी शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई, और ये लोग सहपाठी हैं। ये जान ही रहे जब कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हम ये देख ही रहे हैं कि ये लोग सहपाठी हैं, तो अगर एग्जाम में आए तो अगर हम सहपाठी के भी दृष्टिकोण से देखेंगे कि शैलेंद्रनाथ डे, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ये सहपाठी हैं और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से ही पढ़े हैं, और शैलेंद्रनाथ डे के अगर घनिष्ठ मित्रों में देखा जाए तो नंदलाल बोस सबसे घनिष्ठ मित्र थे शैलेंद्रनाथ डे के, तो ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट को देख लिया। अच्छा, और एक अगर यहाँ से बने तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई है, तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में हुई है। इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो हेनरी हूवर लूसे, H.H. लूसे इसके प्रथम प्राचार्य बनाए गए थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें शैलेंद्रनाथ डे कहाँ पर शिक्षण कार्य किए, शिक्षा ग्रहण किए उसके बाद शिक्षण कार्य कहाँ किए हैं, तो शिक्षण कार्य हम देखते हैं इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षण कार्य किया है। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जब आया है तो यहाँ पर एक आर्ट के इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो होती है वो 1857 में होती है। 1857 में महाराजा स्कूल जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय इसकी स्थापना करते हैं। जब ये स्थापना करते हैं तो इसका पहले नाम होता है मदरसा ये हुनरी। उसके बाद में इसके जो प्रथम प्राचार्य बनाए जाते हैं वो सीएस वैलेंटाइन इसके प्रथम प्राचार्य होते हैं महाराजा स्कूल के, कलकत्ता स्कूल के प्रथम प्राचार्य होते हैं हेनरी हूवर लूसे। साथ ही साथ अगर शिक्षण कार्य अगर हम फिर देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या जाता है रिवीजन करने, असित कुमार हल्दर वो लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बनाए गए थे, शिक्षण कार्य वहाँ किए थे। उसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। उसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? नेथेलियन हर्ड थे। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार कहाँ शिक्षण कार्य किए? इलाहाबाद में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से याद करना कि एक प्रश्न और बन जाए कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो विलियम एमर्सन इसके वास्तुकार थे। अगर एक क्वेश्चन इससे आ जाए कि विलियम एमर्सन
विक्टोरियल मेमोरियल हॉल के भी वो जो है वास्तुकार थे। तो ये बन जाएगा। तो शिक्षण कार्य क्षितिज नाथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किए हैं, असित कुमार हल्दर लखनऊ में किए हैं, और शैलेंद्र नाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में किए हैं। और इसके बाद में इनके साथ ये भी देखना होगा, जो शैलेंद्र नाथ डे हैं, हमने देखा कि बंगाल शैली जो थी एक कला आंदोलन थी, और इसमें हमारी जो परंपरा से चली आ रही जो चित्रकला परंपरा थी, और जैसे हमारी अजंता हुई, मुगल हुआ, राजस्थानी हुआ, तो ये परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करना था, क्योंकि कंपनी शैली आ चुकी थी, तैल चित्रण बढ़ चुका था, और ये परंपरा लगभग लुप्त प्राय होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में ईबी हैवेल ने जो है अवनींद्रनाथ टैगोर को इस बात के लिए बताया कि हमारी जो भारतीय कला है वो आत्मा को टच करती है, जिसे देखने के बाद उससे भावना होती है, और जो ये यूरोपीय शैली है यथार्थ चित्रण करती है, भाव चित्रण इसमें बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में इनके अवनी बाबू के जो शिष्य थे, जिस स्कूल में गए वो बंगाल शैली के ही प्रचार प्रसार में लग गए। तो ऐसी अवस्था में जो राजस्थान की जो चित्रकला थी, हमने बताया ना कि राजस्थान अजंता मुगल राजस्थान ये बंगाल शैली लेकर चल रही थी इस परंपरा को, तो ऐसी स्थिति में जब ये शैलेंद्र नाथ डे, इससे पहले 1924 में असित कुमार हल्दर भी यहाँ के प्राचार रह चुके थे, राजस्थान स्कूल ऑफ के प्राचार थे, लेकिन ये जो शैलेंद्र नाथ डे प्राचार यहाँ पर अभी नहीं बने हैं, ये एज अ टीचर एक शिक्षक के रूप में यहाँ आए हैं। बाद में ये जो है इस स्कूल ऑफ महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के ये प्राचार बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर राजस्थान की चित्रकला का पुनर्जागरण का जो श्रेय दिया जाएगा, अगर एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान की चित्रकला की पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है, तो शैलेंद्र नाथ डे को जाता है। लेकिन इसी में एक और प्रश्न भी बन सकता है, जब इनके शिष्य होंगे, अभी हम शिष्य पढ़ेंगे, तो राम गोपाल विजयवर्गीय इनके जो शिष्य थे वो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं। कौन? राम गोपाल विजय वर्गीय माने जाते हैं। इसके साथ साथ शैलेंद्रनाथ डे ने इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स और भारत कला भवन में भी कुछ समय तक इन्होंने शिक्षण कार्य किया। तो साथ ही साथ अगर इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में हम लोगों ने देख ही चुका है कि इसकी स्थापना कब होती है, 1907 में होती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। स्थापना कौन करता है? जो है अवनींद्र नाथ टैगोर। देखिए कहीं कहीं गगनेंद्र नाथ टैगोर मिलता है, लेकिन अगर हम प्रश्न जो आई जो है प्रश्न जब बनता है इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे, तो उसमें गगनेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर, अगर ये दोनों हैं तो ज़्यादा महत्व अवनींद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। तो अवनींद्रनाथ क्यों? अगर हम देखेंगे, एक प्रश्न और बनता है कि बंगाल शैली से भिन्न कार्य करने वाला कलाकार, ये प्रश्न भी आता है, तो उसमें गगनेंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। और साथ ही साथ बंगाल शैली को प्रोत्साहन करने में ये इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का बहुत योगदान रहा है। तो ऐसी स्थिति में अवनींद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापककर्ता माने जाते हैं। हाँ, अंग्रेज में सहयोगकर्ता के रूप में जॉन वुडरोफ आते हैं। तो अगर इनके साथ साथ आ जाए कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिसकी स्थापना की उसमें सहयोगकर्ता के रूप में, तो जॉन वुडरोफ आ जाता है। साथ ही साथ इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में हमने देखा कि नंदलाल बोस यहाँ पर, शैलेंद्रनाथ डे भी काम करते हैं, नंदलाल बोस यहाँ पर जो है प्राचार्य भी होते हैं और साथ ही साथ शिक्षण कार्य भी करते हैं। इसके साथ क्षितिजनाथ मजूमदार भी यहाँ पर इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में और साथ ही साथ प्राचार्य भी रह चुके हैं। असित कुमार हल्दर का यहाँ पर नाम नहीं आता है। तो इस तरह से हमारे बना रहेगा मेमोरी में, तो इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, और साथ ही सती का देह त्याग 1900, इसकी ये जो है सती का देह त्याग, जब नंदलाल बोस की चित्र की जो प्रदर्शनी होती है, और इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की ये पहली प्रदर्शनी थी, स्थान था यही कलकत्ता कला विद्यालय का जो कैंपस था, वहीं पर ये इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रदर्शनी की गई थी, जहाँ पर सती के देह त्याग पर इनको 500 रुपये का पुरस्कार हुआ था। और जब इसकी 1914 में पेरिस में प्रदर्शनी होती है इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो उसमें अवनी बाबू के दो चित्रों पर, एक तो यात्रा का अंत जो है और साथ ही साथ मंदिर के शिखर पर बैठा गिद्ध, ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है जो है अवनी बाबू का ये दो चित्र। तो इस तरह से इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और एक
1919 में रूपम नामक एक पत्रिका का प्रकाशन होता है और उसके संपादक होते हैं ओसी गांगुली। 1919 रूपम पत्रिका, ओसी गांगुली कौन प्रकाशन करता है, इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से ये प्रकाशन होता है। तो ये दिमाग में बना रहे, सब प्रश्न के रूप में है और सब आए हुए हैं, मतलब ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मतलब बाहरी टॉपिक नहीं लिया जाएगा, जो एग्जाम में आने की संभावना है और आते रहते हैं उन्हीं तथ्यों को हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। और दूसरा भारत कला भवन, तो भारत कला भवन का संबंध रहा, रायकृष्ण दास ने इसकी स्थापना की थी, तिथि थी 1 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ना जो है रायकृष्ण दास, और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी से इसका प्रकाशन होता था और इसको प्रकाश कौन करते थे, रायकृष्ण दास इसका प्रकाशन करते थे। तो ये बना रहेगा। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, शैलेंद्रनाथ डे के प्रमुख शिष्यों पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो इनके जो शिष्य थे रामगोपाल विजयवर्गीय, जिसे राजस्थान ललित कला अकादमी ने कलाविद के सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया था, नवाजा था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं, तो पहले रामगोपाल विजयवर्गीय और गुरु और शिष्य दोनों ने मेघदूत श्रृंखला बनाई थी। तो शैलेंद्रनाथ डे ने जो मेघदूत श्रृंखला 1917 में बनाई थी और रामगोपाल विजयवर्गीय ने जो मेघदूत श्रृंखला 1940 में बनाई थी, रामगोपाल विजयवर्गीय, तो ये दिमाग में बना रहे। दूसरे इनके शिष्य थे प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा। तो देवकीनंदन शर्मा थे, एक तो इन्हें क्या कहा जाता है, पक्षियों का चितेरा या मोर का चितेरा, और दूसरा इनकी जो कर्म भूमि थी वो बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अक्टूबर 1935। ये सब प्रश्न आए हुए हैं 1935, यानी प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा की कर्म भूमि कहाँ रही है, तो बनस्थली विद्यापीठ रही है। परमानंद चोयल का देखते हैं, परमानंद चोयल को जैसा हमने देखा कि भैंसों के चितेरे के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भैंसों पर एक श्रृंखला बनाई है। साथ ही साथ इनकी एक और श्रृंखला है, परसेप्शन ऑफ उदयपुर या उदयपुर बोध श्रृंखला, तो ये इनका है। और इन्होंने वानगाव का एक चित्र था, धान के खेत पर कौवा, उसी की तर्ज पर इन्होंने एक चित्र बनाया था, झोपड़ी के कौए, क्योंकि ये वानगाग से भी काफ़ी प्रभावित रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि किसने वानगाग के धान के खेत पर कौए की तर्ज पर झोपड़ी के कौए नामक चित्र की रचना की है, तो वो परमानंद चोयल था। साथ ही साथ इनकी जो कर्म भूमि रही है परमानंद चोयल की, वो उदयपुर रही है, देवकीनंदन शर्मा की वनस्थली विद्यापीठ रही है। और गोपाल घोष, तो गोपाल घोष के दो गुरु ले सकते हैं, क्योंकि जब ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रहे थे तो शैलेंद्रनाथ डे इनके गुरु थे। गोपाल घोष कलकत्ता ग्रुप के ये सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1943 में होती है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में होती है, उनके सदस्य हैं गोपाल घोष, जब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रहे होते हैं, तो इनके गुरु होते हैं शैलेंद्रनाथ डे। और जब बाद में ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई, यानी चेन्नई कला विद्यालय में जब ये एडमिशन लेते हैं, तो उनके गुरु होते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। तो ये ऐसा भी प्रश्न माना जा सकता है कि गोपाल घोष के गुरु हैं, और उसमें शैलेंद्रनाथ डे भी दे दें और देवी प्रसाद राय चौधरी दे दें और कह दें कि ये और भी दोनों, तो ये और भी दोनों ये सही होगा। तो इस हिसाब से इनके दूसरे गुरु हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। उसके बाद इनके शंभुनाथ मिश्र, अविनाश चंद्र गौतम, सुधांशु भूषण राय चौधरी, मोहनलाल शर्मा, ये सब इनके शिष्य हैं। तो शिष्यों की ये परंपरा रही है, इससे प्रश्न आते रहते हैं, जैसे जो है दत्तात्रेय देवलालीकर, यानी दत्तू भैया के शिष्य जो रहे हैं, आप देख सकते हैं एम एफ हुसैन थे, और जो है एन एस बंद्रे थे, कंबल कृष्ण की पत्नी देवयानी कृष्ण थी, तो ये गुरु एन एस बंद्रे के। तो इस तरह से ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे तो इसको जोड़ के लेकर ही चल रहे हैं। देखिए शैलेंद्रनाथ डे का तो टॉपिक तो चल रहा है, लेकिन एक टॉपिक हम लेकर चलेंगे और साथ साथ ये जोड़ कर चलेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे तो फिर यही चीज़ आएगी, तो फिर यही चीज़ रिवीजन होगा और ये परंपरा बन जानी चाहिए। देखिए दिमाग की एक आदत होती है, ब्रेन की,
ब्रेन की एक आदत होती है कि चीज़ों को जिस ढर्रे में आप ढाल देंगे, जो आदत आप बना लेंगे, उसी को पकड़ के बैठ जाएगा। हमारे और आपसे ब्रेन नहीं चलता, बल्कि ब्रेन हम लोगों को चला रहा है। ये पूरी शरीर की जो गति हो रही है, जैसा हम सोचते हैं ब्रेन को वैसे आदेश मिलता है और वैसे चलता है। अब हम ये लोग नहीं कह सकते हैं कि ब्रेन को हम चला रहे हैं। अगर हमारे ही हिस्से में ब्रेन को चलाना होता तो सब कुछ एक बार पढ़ते हम लोगों को याद हो जाता है। तो जो जैसा आदत बना लेंगे, तो हमने ये लिंकिंग मेथड का एक जोड़ के परंपरा जो हमने सोचा है कि इस तरह से पढ़ाने से चीज़ें हमें बराबर, उन चीज़ों से हम टच में रहेंगे, और जिन चीज़ों के टच में रहेंगे तो ये नेचुरल लॉ है, वो चीज़ें हमेशा हमारी तरोताज़ा रहेंगी, बरकरार रहेंगी। तो उसको हम तो ये भी सोचे थे कि क्वेश्चन और आंसर की सीरीज ही चलाई जाए। तो उसमें क्या होगा, हम क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फिर विकल्प दे देंगे, फिर उसको कर लीजिए, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। हाँ, एग्ज़ाम में 125 में 70 80 90 तक सहयोग देगा, वो पूरी की पूरी सहयोग देगा, लेकिन इतने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जैसा कि आजकल मेरिट जा रही है, भ्रष्टाचार का भी है, बड़ी लंबी उड़ान भरनी होगी, और पहुँचते पहुँचते लोग रह जाते हैं पॉइंट में ही, मामला गड़बड़ा जाता है। तो कुछ हमें अभ्यास भी करना है, क्वेश्चन आंसर के सीरीज में अभ्यास करते रहिए, लेकिन ये दिमाग में बना रहना है कि इस मेथड से भी हमको पढ़ाई पढ़ते रहना है, जिससे हमें उस अवस्था को प्राप्त कर लेना है जहाँ पर हम ऊंचे शिखर पर बैठ सकें। और बिना अभ्यास एक माध्यम है, और ये बात हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में कही है। जब अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान मन बड़ा चंचल है, इसे रोक पाना जैसे वायु को रोकने के समान है, बड़ा ही मतलब कठिन है, तो भगवान ने इस बात को कहा, हाँ बिल्कुल, ये मन की चंचलता वाकई में इसे रोक पाना बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ, भगवान ने इस बात को कह दिया, अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बल पर हम कोई चीज़ भी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि कितना मुलायम रस्सी होता है, पत्थरों पर आता जाता रहता, कुछ नहीं, बस एक नेचुरल क्रिया चलती रहती है और वो पत्थर को काटता जाता है। ऐसे बस हम लोग चीज़ों को जोड़ जोड़ के पढ़ते रहें, चीज़ों को देखते रहें, ब्रेन नेचुरल मेथड से अपना काम करता रहेगा, अवशोषित होता रहेगा, और सब चीज़ें हमें बनी रहेगी। तो शैलेंद्र डे के हम अगली वीडियो में कुछ चित्र हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।